के रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सरन सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनके साथ करीब 20 रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। गुरुवार को ये फिर से अपना धरना शुरू कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने पहलवानों की ओर से लगाए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर कुश्ती संघ के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुधवार को धरने में कहा था कि नेशनल कैंप्स में वुमेन रेसलर्स का प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सरन सिंह और कोच यौन उत्पीड़न करते हैं। नेशनल कैंप्स में पोस्टेड कुछ कोच तो वुमेन्स रेसलर का सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत भी की। विनेश ने आगे कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद WFI के अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा, मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। मैं हर दिन अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचती थी। अगर किसी पहलवान को कुछ होता है तो जिम्मेदार WFI अध्यक्ष पर होगी। आपको बता दें, विनेश यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि कोच महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी स्थिति यह है कि अगर पानी भी बिना परमिशन के पी लिया तो फेडरेशन नाराज हो जाती है। हमें मारने की धमकी दी जा रही है। हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। हम लोग अपना करियर दांव पर लगा कर यहाँ धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।